आवाज़ भारी है ना तो मैं वो कर पाता। हाय दिस इज दर्श नाउ, आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची पर। अभी मेरी फैमिली हो चुकी है इंस्टाग्राम पर कुछ 9.2 मिलियन और ट्विटर पर कुछ 1.5 लाख, यूट्यूब पर 2 मिलियन, तो काफ़ी बड़ी फैमिली हो चुकी है। बट जो लोग मुझे नहीं जानते और जो लोग मुझे कम जानते हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आई ऑल्सो स्टार्टेड समवेयर, कहीं ज़ीरो से मैंने शुरू किया था। और ये बात मेरी जर्नी की आज मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड एंड क्या हुआ। व्हेन आई वाज इन गुरुकुल, आई वाज वेरी यंग, बहुत छोटा था मैं, 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, घर से दूर था, आई वाज इन हॉस्टल। तो वहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक्टिविटी पीरियड होता था शाम को कि इस टाइम आपको जो करना है वो करो आप। तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ट्राई की पर उतना मज़ा नहीं आता था। वहाँ पर एक बड़ा सा ह्यूज हॉल होता था जहाँ पर सेंट्स यूज टू प्रैक्टिस, रियाज करते थे, और मैं वहाँ पर पीछे बैठकर आई यूज टू लिसन टू म्यूज़िक, उनका जो म्यूज़िक था मुझे आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग टू पीपल दैट आई एम अ वेरी गुड लिसनर इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक। तो मैं म्यूज़िक सुनता था और मुझे धीरे धीरे दूर से सुनता था, फिर पास गया, फिर उनके साथ बैठा, उनके साथ फिर गाने लगा। सो ऐसे इस तरह से म्यूज़िक की एंट्री हुई जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। म्यूज़िक सुनना शुरू किया और मुझे पता चला कि यार ये तो एक मैजिकल दुनिया है, ये तो इट्स ब्यूटिफुल। व्हेन आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, आई फील डिफरेंट, मेरे अंदर इमोशंस जागने लगे और म्यूज़िक सुनता रहा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे ये लगा कि अब मुझे भी म्यूज़िक बनाना है, अब मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि वो मेरा हो और मैं लोगों को वो एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड राइटिंग, लिखना शुरू किया, उसको धुन बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा जो मैं लिखता था उसको अपनी तरह से गाता था। ऐसे कभी शोज़ होंगे, अपने कॉन्सर्ट्स होंगे, खुद के गाने गाएंगे, म्यूज़िक वीडियो होंगे, अगर फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो कट्टू अभी की सिचुएशन, वो सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी वो सारी सिचुएशन सही हो गई। ये शायद मैंने नहीं बोला है बट गिटार लेने के लिए मैं VS म्यूज़िकल्स पहुँचा इन अहमदाबाद, जहाँ पर मणिकांत तुमार से मैं पहली बार मिला, बिकॉज मुझे गिटार लेना था एक नया, मैं उनसे मिला। तो वहाँ पर मैंने देखा उनके म्यूज़िकल शॉप में बहुत सारे म्यूजिशंस जैम कर रहे थे गिटार पर, और तो मैं जाकर बैठ गया, मैं किसी को जानता नहीं था, बैठ गया और सुनने लगा। अब हाय हेलो हुई, बोले अच्छा अच्छा, और सब एक दूसरे को मतलब इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं रोज़ जाने लगा वहाँ पर गिटार देखने के, कुछ नया आया है, कुछ बात करने के लिए, ऐसे ही जस्ट टू गेट इनटू द सर्किट। तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने बाद सबसे दोस्ती हो गई, सब एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। तब अहमदाबाद में काफ़ी रॉक म्यूज़िक चलता था, इंग्लिश म्यूज़िक मैं नहीं करता था, मुझे सिर्फ कमर्शियल टिपिकल हिंदी म्यूज़िक ही करना था हमेशा। बट दे वर वेरी लविंग ऑल द पीपल देयर, वो हमेशा कहते थे कि यार यहाँ कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा। और उस दौरान दरमियान मैं राज बोरीवाला और चिन्मय से मिला और उनके साथ वेवलेंथ मैच हुई एंड वी स्टार्टेड अ बैंड डिपजिप। तो देखते ही देखते, जिसको कुछ नहीं पता था कैसे शुरू करे, वो लोगों से मिला और नए लोग मिले, उसके जैसे लोग मिले, ही क्रिएटेड अ बैंड विच वॉज कॉल्ड डिपजिप एंड देन वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग। हम पहले बहुत सारी जगहों पर फ्री में परफॉर्म किया और यूज टू परफॉर्म एट सेवा कैफे, वो तो फ्री नहीं बट वहाँ बहुत अच्छा लगता था हमको, तो वहाँ पर हम परफॉर्म करने लगे। देन फ्री का शो हमने बंद कर दिया, दो तीन हज़ार रुपये वी स्टार्ट चार्जिंग एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट परफॉर्मिंग। एंड जब आप अच्छा करने लगते हो, भले छोटा सा काम करें पर बहुत अच्छा करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली वो बात फैलने लगती है, पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू डूइंग। धीरे धीरे देखते हमको अहमदाबाद से बाहर शोज़ मिलने लगे, वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ बात फैलने लगी। एक बार कभी जो बादल बरसे का कवर किया था मैंने, और वो उसके थ्रू मुझे कॉल आया था फॉर द रियलिटी शो के, वो वायरल हो गया, टी सीरीज़ ने उस वक्त शेयर किया था। तो उस वक्त तो ऐसा इतना अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था उस वक्त कि यार टी सीरीज़ ने अपना गाना शेयर किया, लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हमने। एंड
फिर मुंबई से कॉल आया बिकॉज द सॉन्ग वेंट वायरल ऑन यूट्यूब. कभी जो बादल वायरल मतलब उस वक्त लोगों ने पसंद किया था, 1.5 लाख व्यूज हो गए थे. उसकी भी कहानी बट वो आप जानते हैं कैसे क्या हुआ था. एंड आई देन केम टू द रियलिटी शो और मैं उसके बाद द जर्नी हैज़ केप्ट ऑन गोइंग. मैंने फिर कभी सोचा ही नहीं कि अभी प्लान करने का मौका कुछ नहीं मिला. आई हैव जस्ट बीन फॉलोइंग व्हाट माय हार्ट ऑलवेज वांटेड. और अगेन आई एम सेइंग, जिस बंदे को कुछ नहीं पता था कहाँ से शुरू करना है, ही जस्ट आंखें बंद की, उसने ये सोचा कि अभी बस जो भी आ रहा है रास्ते में आई हैव टू विन इट, कॉन्कर इट, गिव ऑल माई 100%. एंड आई केप्ट ऑन डूइंग. धीरे 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 अपने आप रास्ते बनते गए. मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया. आई हैव जस्ट फॉलोड माई हार्ट. पार्ट पार्ट में अपॉर्चुनिटीज आती गई. जैसे फॉर द रियलिटी शो, जब मुझे मैंने ऑडिशन दिया, जब यहाँ पर भी मैं आया था, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पहले जो दे चुके थे. और सिलेक्शन प्रोसेस थी, टॉप 40 को सिलेक्ट किया था, टॉप 20 को सिलेक्ट किया था, फिर टॉप 10 को सिलेक्ट किया था. तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी. आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज ये मैं रॉक स्टार वॉज नॉट जस्ट अ सिंगिंग शो कि आप उसी हरकत के साथ गाएंगे और जजेस बोल देंगे वाह 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 ओरिजिनल से बेटर गाया. वैसा नहीं था. इट वॉज जहाँ पर आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट शो बिकॉज मुझे ओरिजिनल गाने परफॉर्म किए अलाउ किए थे. आई कुड राइट इन दैट शो. मैं खुद का कुछ लिख पाता था, नॉट ग्रेट बट आई कुड राइट. सो अलग शो था. सो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो जहाँ मुझे मिली एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. दैट रियली वर्कड. एंड बस तो मुझे लगा ये जगह थी जब मैंने 6 लगाया. ऑल्सो उसके बाद भी आई हैव गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसमें उस वक्त मैंने परफॉर्मेंस दिया है. लाइक जैसे व्हेन आई एंटर्ड इन बॉलीवुड तो मुझे बहुत अच्छा गाना मिला और मुझे आई गेव वो 6 लगाने का मौका मिला और मैंने लगाई 6. तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज हर एक इंसान को मिलेगी बट वो कितना प्रिपेयर्ड है. अगर मैं उस वक्त उस रियलिटी शो के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता तो शायद इधर नहीं होता. सीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मैंने पता नहीं मेरे को क्यों वो क्रिप करते अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया. वो पहुंच गए अभी बट दिस क्रिप अबाउट द जर्नी. आई डोंट क्रिप अबाउट माई जर्नी. अगर मुझे कल कोई बोलता है कि यू हैव टू गो बैक और फिर से ये सब कुछ करना है, ट्रस्ट मी मैं आई वुड गो बैक एंड डू इट अगेन विथ ऑल द हैप्पीनेस. और जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा क्योंकि मुझे उस जर्नी ने ही सब कुछ सिखाया और उस जर्नी के वजह से आज इतनी बड़ी फैमिली है, इतने ज़्यादा लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं. और इसीलिए शायद अगर वो नहीं किया होता तो आज कोई भी लेबल नहीं वो करता. तो द जर्नी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खुश उस वक्त भी था, खुश आज भी हूँ. इसलिए खुश हूँ क्योंकि एज आई सेड इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कि वो पैशन फॉलो किया है मैंने और यही करना था. और बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं भी सैडनेस नहीं है. बस बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि ये जो जर्नी मेरी चल रही थी उसको एकदम से बड़ा कर दिया. 3D पिक्चर एकदम फुल 200 करोड़ की पिक्चर बना दी. वो बनाई है मेरे फैंस ने. अगर वो नहीं होते तो मेरी जर्नी चालू रहती. मैं आई वुड बी हैप्पी डूइंग माई स्टफ. कम लोग जानते बट ये मेरे को एकदम से फुल 3D पिक्चर बना दिया है मेरे फैंस ने. सो या जितने भी हाई स्केल वाले गाने हैं ना, मेरे को लगता है वो जैसे इवन तेरी आंखों में उसमें कुछ कुछ पार्ट्स बहुत हाई हैं. इवन मेहरमा आई थिंक आई कुड हैव संग. जो मेरे गाने नहीं हैं जो मैं किसी और के लिए गाता हूँ, मुझे हमेशा ये फील होता है कि आई कुड हैव संग इट बेटर. सो या तेरी आंखों में एंड मेहरमा, ये दो गाने काफ़ी पॉपुलर है बट मुझे लगता है कि मैं और बेटर गा सकता था. ऑल्सो हाई नोट्स वाले जैसे मुझे पीने दो में उसका अंतराव बहुत ऊपर है तो मेरे को अभी भी लगता है मैं और बेटर गा सकता हूँ. हाई नोट्स थोड़े वो होते हैं ना, ट्रिकी होते हैं. काफ़ी हाई नोट्स की बात कर रहा हूँ. सो ये 3 गाने वुड बी मुझे लगते हैं कि मैं और बेटर गा सकता हूँ. तेरी आँखों में दिखता जो प्यार. हाँ, मैं एक काम करता हूँ, गिटार के साथ गाता हूँ. तेरी आंखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आंखों में भी तू
तुझे दिखता है क्या, तेरी आंखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आंखों में भी तुझे दिखता है क्या, ओ मेहरमा क्या मिला, क्यों जुदा होके बता, ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। थोड़ा नीचे ही गाया मैंने, वापिस हाई में गाऊंगा तो लगेगा बेटर गा सकता हूँ। देखो आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाता, जो मेरे डैड का ड्रीम था कि इसको आईएएस बनाएगा, अभी अंदर ही है तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं अभी कि उसकी तो कोई क्वालिटीज नहीं है। तुमने फोटोग्राफर सोचा था, वीडियो एडिटर सोचा था, क्योंकि आसपास लोग वो कर रहे थे ना, दोस्त सारे वो ही कर रहे थे, तो जैसे फोटोग्राफी की तो बहुत अच्छा, मतलब शौक बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर एक पेज भी बनाया मैंने डिजाइन मेमोयर करके, जहाँ पर सारे जो पिक्चर्स मैं लेता हूँ वो रखे हुए हैं। तो हाँ, और वरना आज ये होता, क्योंकि हमेशा से मुझे लगता था कि आवाज़ भारी है ना तो मैं वो कर पाता, हाय दिस इज दर्शना और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची पर। ऑफकोर्स जैसे फिल्म के लिए जो कोलैबोरेशन है उसमें कहेंगे कि प्रीतम दादा के लिए, जैसे जब ग्रोइंग अप भी उनके गाने बहुत सुने हैं, बहुत नहीं, वी हैव ग्रोन अप टू प्रीतम चक्रवर्ती सॉन्ग्स। और जब मैं पहली बार व्हेन आई वेंट टू स्टूडियो आई वाज वेरी नर्वस। अब जब चलते हो ना, व्हेन यू कम फ्रॉम ज़ीरो, मतलब जहाँ से, मतलब कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो जब वहाँ से व्हेन यू मेक इट टू अ कंपोजर स्टूडियो, और जो वो फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए चल रहे होता है ना, तो सब कुछ स्लो मोशन हो जाता है, आपको पूरी आपकी जर्नी फ्लैशबैक में आती है, यू फील हैप्पी दैट यार फाइनली आई एम गोइंग टू मेक इट टू दैट माइक, मैंने बचपन से सोचा। तो दैट्स वन ऑफ द कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन नहीं कह सकते, मैंने उनके लिए गाया कह सकते। और आर्टिस्ट में अभी तक ज़्यादा कोलैबोरेशन वैसे मैंने किए नहीं, बट तुलसी के साथ आई हैव डन कोलैबोरेशन, तेरे नाल किया था लास्ट ईयर, दिस ईयर इस कदर, सो या शी वुड बी, ये दो नाम रहेंगे। हिमेश जी की स्टाइल बहुत अलग है, सो मुझे डिफ़िकल्ट कोई नहीं लगा हिमेश जी के वहाँ पर डिफ़िकल्ट। हाँ, उनके वहाँ पर ये होता है कि हिमेश जी बाद में लास्ट में सुनते, पहले 7-8 लोग, पहले ऐसा था, अभी मैंने काफ़ी वक्त से उनके लिए रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी पता नहीं, बट देर आर 7-8 पीपल सिटिंग इन द स्टूडियो लुकिंग एट यू एंड दे वांट टू जज व्हाट यू आर सिंगिंग, मतलब हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होगा कि आप ऐसे 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 गाए, तो वो थोड़ा ट्रिकी था समझना फॉर द फर्स्ट टाइमर के लिए जाना, कि अरे यार ये तो सब अलग 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 बोल रहे हैं, मैं किसको फॉलो करूँ, किसका सुनूँ, बट वो भी फिर मैं एडजस्ट कर लिया था। और सबसे वैल्यूबल अवार्ड ये है मेरे लिए, ये जो मेरे इंस्टाग्राम पर लोग हैं 9.2 एंड माई ट्विटर फैमिली, ट्विटर पे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग इज़ माई ट्विटर फैमिली, बिकॉज रात को 3 बजे भी मैं कुछ लिखता हूँ तो पीपल आर देयर टॉकिंग टू मी एंड सो फॉर मी, मेरे को वो वाले अवार्ड समझ भी नहीं आते, मतलब मिले भी नहीं है और उतना उसका यहाँ पर ही देखो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं अवार्ड वाली, पर उससे कुछ फील नहीं होता। मुझे लगता है मेरे लिए अवार्ड मेरे फैंस हैं, उनसे मुझे फील होता है उनसे, और बहुत थैंकफुल फील करता हूँ। अवार्ड वो होना चाहिए जो आपको हिट हो, तो ये लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, ये जो मेरा रिवॉर्ड है वो मुझे इंस्पायर करते हैं हमेशा हर रोज़ टू बी अ बेटर पर्सन एंड टू मेक बेटर म्यूजिक फॉर देम। सो आई थिंक माई फैंस आर माई एक्चुअल अवार्ड रिवॉर्ड सब कुछ। माँ करके गाना है मेरा, जिससे मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ उस इमोशन से, बिकॉज दैट्स द इमोशन दैट आई लिव एवरी डे। आई डोंट टॉक बहुत ज़्यादा माँ गाने के बारे में बात नहीं करता, इट्स माई बहुत ज़्यादा प्रेशियस गाना है मेरे लिए, और सिर्फ मेरे फैंस के लिए वो मैंने बनाया, वो इट्स नॉट फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसको सुने मैं वो चाहता भी नहीं हूँ। सो वो इमोशन से काफ़ी, और मैं जितने भी लोग मुझे सुनते मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि अभी आप अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं और आपके मॉम आपके घर में हैं, सो रहे हैं या खाना बना रहे हैं या आप पे शाउट कर रहे हैं या आपसे गुस्सा है या आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, यू आर द मोस्ट लकी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, प्लीज़ कीप लविंग देम, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करो, बहुत सपोर्ट करो, क्योंकि ये मैंने आई
फेल्ट दिस कि प्यार हमारी ज़िंदगी में इतना रूटीन हो जाता है, माँ का प्यार या फादर्स लव इतना रूटीन हो जाता है तो हमको फील नहीं होता, हमको लगता है हाँ ठीक है ना, कुछ ही बोलेंगे हाँ ठीक है ना, अरे मत बोलो ना, मत करो ना, पूरा टाइम ये बोलते रहते हो वो करते रहते हो। जब प्यार नहीं होगा ना देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू। सो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कभी हो आपके साथ, बट कीप लविंग योर पेन। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, जब वो चले जाते हैं आपको ये फील होता है कि आपका घर नहीं है अभी, यू डोंट हैव अ हाउस। घर होते हुए वी वोंट फील यू हैव अ हाउस, वो सिक्योरिटी आपके ऊपर से चली जाती है। सो कीप लविंग योर पेरेंट्स। बट आई डोंट परफॉर्म, मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता हूँ, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग, बट आई विल सिंग समथिंग एल्स। आई कुछ मैं और गा सकता हूँ ऑन अ हैप्पी। शायर तो हूँ मैं वैसे, तारीफ करूँ मैं कैसे, अल्फाज मेरे कोल ना, ओ रब्बा मेर करी तू मेर करी, मेरा हो जाए वो ना देर करी, इस जन्म मिल जाए वो उसे है जन्म मेरा। अगर आपको मेरा म्यूज़िक और ये शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मिर्ची इंडीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिए।